टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 13,000 रुपीज। सो दोस्तों, अगर आप भी आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन चाहते हैं, सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जहां पर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन भी मिलेगी, दमदार फीचर्स भी होंगे, तगड़े कैमरास का सपोर्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ OIS जैसे फीचर्स भी आपको मिलेंगे, और तो और लंबी चलने वाली बैटरी और 5G का सपोर्ट। सो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर Redmi की तरफ से लॉन्च Redmi 13 5G की। बात करें इस फोन की, ये फोन आपको बिल्कुल भी Redmi 12 5G की तरह ही देखने को मिलने वाला है, जहां पर फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलने वाली है और फ्रंट और बैक में आपको ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन 8.2 mm की थिकनेस और 205 ग्राम वेट के साथ में आता है, सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है। और हाँ, इसी के साथ में आपको यहाँ पर IP53 की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल फोन की बिल्ड क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। बात करें डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर लगी हुई 6.79 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, और इसके अलावा 550 निट तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। सो इनडोर में फोन को यूज करने में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की थोड़ी सी शिकायत देखने को मिल सकती है। रही बात यहाँ पर गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट मिलती है। चलिए अब बात करते हैं फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको देखने को मिलेंगे दो कैमरास, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, जो कि आता है सैमसंग के ISOCELL HM6 सेंसर के साथ में, और देखा जाए तो ये सेंसर काफी कमाल का है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर F1.8 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है, और डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती है, तो फोटोज में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन 2 का एक्सेलरेटेड वर्जन, जो कि AnTuTu पर लगभग 4.5 लाख स्कोर करता है, और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये एक अच्छे स्कोर है, जो कि आपको मीडियम लेवल पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में कैपेबल है। इसी के साथ में LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस पॉइंट फोन का यहाँ पर अच्छा है। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5030mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 33W चार्जिंग को सपोर्ट करती है, साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट, और सबसे अच्छी बात कि आपको चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी। रही बात यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, जो कि आपको डिसेंट आउटपुट भी दे देते हैं। इसी के अलावा आपको यहाँ पर मिलता है हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। वहीं पर अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें, ये स्मार्टफोन आता है Android 14 बेस हाइपर OS के साथ में। हालांकि यहाँ पर थोड़े मोड़े अब भी ब्लॉटवेयर्स हैं, लेकिन आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिल जाएगा, और इसी के साथ में कंपनी ने क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, ये भी काफी अच्छी बात है। और ओवरऑल देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक डिसेंट ऑप्शन है। अगर आप रेडमी की तरफ से कोई नया 5G स्मार्टफोन चाहते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 12,999 रुपए। दोस्तों अगर हम बात करें इस लिस्ट के एक ऑल राउंडर स्मार्टफोन की, जहां पर आपको कैमरा भी अच्छा मिलता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलती है, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, और लंबी चलने वाली बैटरी भी मिलती है, तो दोस्तों ये फोन है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी F15 5G। फोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि 9.3mm की थिकनेस और 217 ग्राम का है, तो थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्कि जरूर है, लेकिन यहाँ पर बैटरी भी ज्यादा दी गई है, जिस वजह से स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवियर साइड देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आपको बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, 800 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली,
और सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी और साथ ही 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट सपोर्ट भी आपको दिया गया है। हालांकि यहाँ पर पंच होल डिजाइन होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी वो आपको काफी कमाल की मिलती है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है दोस्तों कि फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेता है और यहाँ पर आपको डे लाइट साथ ही साथ लो लाइट में भी काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा अप टू 30 fps और यहाँ पर आपको जायरो EIS का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर VDIS यानी कि वीडियो डिजिटल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपकी जो वीडियोस है वो भी ब्लर नहीं होंगी, यानी कि आपको यहाँ पर डिजिटल स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में देखा जाए तो फोन काफी अच्छा है। बात करें फोन की परफॉर्मेंस की तो फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NMAH MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट और दोस्तों ये स्मार्टफोन औसत पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर अप टू 40 fps तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलने वाली है। बात कर ले पावर हाउस की तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है जो कि 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दी गई तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाला है, बैटरी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए अब बात कर लेते कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस्ड 1 UI 6 पर रन करता है और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 4 साल तक के मेजर अपडेट मिलने वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 18 तक का सपोर्ट मिल जाएगा, तो 4 साल के लिए तो नो टेंशन। और साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी नॉक्स सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। और रही बात 5G बैंड की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, सो आपको यहाँ पर 5G यानी कि फ्यूचर के लिए भी कोई टेंशन नहीं आने वाली। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपए। ऐसे दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर रियलमी का नार्जो 70X भी देख सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में मिलता है और बाकी के डिजाइन कैमराज और जो सारे फीचर्स दोस्तों वो आपको बिल्कुल रियलमी 12X की तरह देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप यहाँ पर नार्जो सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप रियलमी के नार्जो 70X को देख सकते हैं जो कि आपको लगभग सेम प्राइस पर भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की और यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च वीवो का T3X 5G। बात करें इस फोन की तो दोस्तों ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि पिछले वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर डिजाइन थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही 8mm की थिकनेस और 199 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है और हाँ आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिल जाएगी, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है और फोन का लुक भी काफी कमाल का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी दी गई और अच्छी बात यह है कि वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि और भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको दिया गया है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात यहाँ पर आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती है, फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी दिया गया है, वैसे इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट मोड्स दिए गए, तो ये अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 fps, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपको यहाँ पर कोई OS जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1080p पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर EIS का फीचर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम वीवो T2X से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर स्लाइटली बेटर इमेजेस देखने को मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4 NMAH स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 का चिपसेट और दोस्तों ये इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला है काफी कमाल का चिपसेट है। ये औसतों पर लगभग 5,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर है। साथ ही आपको यहाँ पर Adreno 710 का GPU देखने को मिल जाता है, तो अगर आप यहाँ पर BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं
तो ये स्मार्टफोन आपको HD ग्राफिक्स पर हाई क्वालिटी की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है। और हाँ भाई, वीवो की तरफ से काफी बड़ी बात है, साथ ही साथ ये फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है, तो 15,000 रुपए के अंदर देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ, आपको यहाँ पर बैकअप भी काफी अच्छा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया। और हाँ, आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में, तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। कार्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 14 बेस फन टच OS 14 पर। यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटर्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो इसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात अपडेट्स की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, और पॉसिबली आपको यहाँ पर 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले। रही बात यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 13,499 रुपए, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 12,499 रुपए कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर iQOO के फैन हैं और आपको थोड़ी बड़ी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप यहाँ पर iQOO का Z9X चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी आपको बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में मिल जाएगा, सेम फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बस थोड़ा सा डिजाइन और परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाएगी। सो अगर आप iQOO के फैन हैं तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात करते हैं लिस्ट की फोन के अंदर, हालांकि आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा और तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन का नाम है यहाँ पर पोको का X6 नियो 5G। बात करें इस फोन की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, हालांकि बैक में आपको यहाँ पर मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ 7.7 mm की थिकनेस और 175 ग्राम के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और काफी स्लिम है, और इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है। इन सभी के अलावा IP54 का वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन वाला फीचर भी आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, और जैसा कि हमें iQOO के लुक देखने को मिलते हैं, कुछ वैसा ही लुक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 inches की एक फुल HD प्लस वाली 10-bit की AMOLED पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, 120Hz तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। वैसे अगर आप देखेंगे तो फ्रंट से फोन काफी अच्छा देखने को भी मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर सिर्फ 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ 108 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी दिया गया। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप फोन का ठीक है, और डे लाइट पे फोटोज भी आपको अच्छी मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह का सपोर्ट भी दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो क्वालिटी की, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6080 का चिपसेट। और दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है आम वाले G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराने में कैपेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंतितु पर लगभग 4.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर डिसेंट लेवल की गेमिंग करा सकता है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा। और हाँ, अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर डेली यूजर्स में भी कोई शिकायत नहीं आती है, सो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, 33 वॉट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पर हम कुछ एडवांस फीचर्स की बात कर ले, तो आपको यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, लेकिन दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है, तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, अगर हम बात करें कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर, तो ये अच्छी बात है, जहां पर आपको पोको की कस्टम स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, सो ओवरऑल देखेंगे तो यहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के लिए नॉर्मली आपको देने होंगे 14,499 रुपए, बट अगर आप यहां पर बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको
तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी इफेक्टिवली ये फोन आपको मिलेगा 13,499 रुपये की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अगर देखेंगे तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो बात करते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की। हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही अच्छी निकाल कर देता है। और ये स्मार्टफोन यहाँ पर मोटो का G64 5G। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बेल्ट पर मिल जाता है। बेल्ट क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे दिए गए। साथ ही साथ ये फोन 8.9 mm की थिकनेस और 192 grams के साथ में आता है। सो देखा जाए तो ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा बल्कि भी नहीं है, तो इन हैंड फीलिंग में फोन काफी अच्छा रहता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर फोन की अच्छी है, आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आएगी। अब बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। सो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिलती है। सो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है, जैसा कि हमें मोटो के G54 में देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं कोई इशू देखने को नहीं मिलते। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा है 50 megapixel का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में आपको यहाँ पर OIS जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इन सभी के अलावा 8 megapixel का आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा, जो कि आपको डेप्थ और मैक्रो फोटो खींचने में भी काफी मदद करता है। सो देखा जाए तो यहाँ पर आपको लगभग एक कंप्लीट सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 megapixel का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है, डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी निकल कर आती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 fps। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के चिपसेट की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 7025 का चिपसेट, जिसे अगर हम कंपेयर करें मोटो G54 से तो यहाँ पर आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस ही निकाल कर देता है। यहाँ पर यह स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 500,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। सो मीडियम लेवल की गेमिंग आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यहाँ पर आपको LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 30 watt की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो नॉर्मल यूजिंग पर आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, और आपको यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी ट्यूनिंग आपको मिल जाएगी डॉल्बी एटमॉस की तरफ से। और यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर एक साथ में एक 5G सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है मोटोरोला का MyUX का सपोर्ट। लेकिन इस बार आपको थोड़े से ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, हालांकि आप उन्हें अनइंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको 3 साल के और भी सिक्योरिटी पैचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखेंगे तो ये कंप्लीट पैकेज है मोटोरोला की तरफ से, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, सो दोस्तों 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 14,999 रुपए। बट अभी आपको यहाँ पर कुछ बैंक ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें अप्लाई करके ये फोन इफेक्टिवली आप 14,000 रुपए कीमत पर परचेस कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।